लंच ब्रेक में आज सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के खरगोन की करेंगे, जहां पर हुई हिंसा को लेकर शिवराज सरकार सख्त हो गई है। शिवराज ने कहा है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसकी वसूली उन्हीं से की जाएगी। इसके लिए सरकार ने 2 सदस्यीय ट्राइब्यूनल का गठन किया। सीएम ने यह भी कहा कि आरोपियों को सख्त से सजा दी जाए। खरगोन में रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव हुआ था, जिसमें एसपी सिद्धार्थ चौधरी समेत करीब 2 दर्जन लोग घायल हुए थे। मामले में एक्शन लेते हुए एमपी प्रशासन ने यूपी की तरह बुलडोजर वाली कार्रवाई की थी और कई घरों और दुकानों को गिराया था। इनको पथराव करने वाले आरोपियों से संबंधित बताया गया। उधर गलत फोटो को लेकर दिग्विजय सिंह पर केस दर्ज कर दिया गया। तो 2 सदस्यीय ट्राइब्यूनल का गठन किया गया है, मामले की जांच की जाएगी। कई पुलिस अधिकारियों को इस मारपीट में चोटें आई थी। आरोपियों से नुकसान की भरपाई के लिए उनके घरों पर बुलडोजर चला दिए गए हैं। हालांकि विपक्ष का लगातार ये कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हुई तब तक ये कैसे निर्धारित किया गया कि यही आरोपी है और इनके घर पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं गलत फोटो ट्वीट करने के मामले को लेकर दिग्विजय सिंह पर भी मामला दर्ज कर दिया गया। तो सख्ती, सियासत और शिकायत, सब कुछ एक साथ खरगोन की हिंसा मामले में, जिसे लेकर अब लगातार ये बात कही जा रही है कि दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया था उसमें गलत फोटो थी, उसको लेकर सरकार सख्त है और उन पर मामला दर्ज हो गया। और जमकर सियासत इस मामले में हो रही है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने मुसलमानों को दबाने की बात कही, जिस पर एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने करारा प्रहार किया है। मुझे नजर ये आ रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करो, मुसलमानों के खिलाफ मेजॉरिटी में खौफ पैदा करो, मुसलमानों को डरा कर रखो, मुसलमानों को दबा कर रखो, मुसलमानों को सेकेंड ग्रेड सिटीजन बना कर रखो। आपकी आस्था है मुबारक हो, मेरी आस्था मुझे मुबारक हो, ना मैं अपनी आस्था को ना आप अपनी आस्था को मुझ पर मुसल्लत नहीं कर सकते। आप कैसे देश को संविधान से चलाएंगे, आस्था से चलाएंगे? आप आस्था के नाम पर गोश्त खाने की इजाजत नहीं देंगे तो फिर मेरी आस्था क्या है? रमजान में शराब की दुकानों को बंद कर दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? पूरे बंद करिए शराब की दुकानों को रमजान के 30 दिन। आप ओवैसी जैसे लोगों के दिल में हम प्रेम भी पैदा नहीं करना चाहते। हमने उनका प्रेम देखा है कैसा है। एक दिन के अंदर रामनवमी साल में एक बार आती है, 12 स्थानों पर देश में दंगा हो जाता है। जेएनयू में मास पर हमारी त्योहार पे ही होता है ना, उनके पे तो नहीं होता कभी, कि होता है कभी? आपने सुना है क्या उनके त्योहार पे हो जाता है दंगा कभी? मुझे अफसोस इस बात का है कि आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं। आप ऑलरेडी इस बात को तय कर चुके हैं कि आप जज बन चुके हैं कि मुसलमानों ने पत्थर फेंके, तो फिर किस्सा खत्म हो गया ना, तो फिर गोली मार दीजिए हमको, आप जेनोसाइड कर दीजिए हमारा। अब बाकी क्या रहा बताइए ना। आप ना हमको हर चीज पर आप पाबंदी लगा रहे हैं, पत्थर भी हम फेंके, मस्जिद पर झंडा भी हम लगाए, मुस्लिम महिलाओं पर लाठियां भी हमने बरसाई, घर भी हमने अपने हाथ से डिमोलिश कर लिया, गोश्त भी हम नहीं खा सकते क्योंकि आपकी आस्था को हर्ट होता है, तो फिर आप क्या करना चाहते हैं बता दीजिए हमको। विरोधी पक्षों को पेट्रोल बम फेंके, गोली चली, गोली एसपी को लगी, पुलिस वाले घायल हुए, टीआई घायल हुए, ये तो दिखे ही नहीं होंगे विरोधी पक्ष को, सिर्फ बुलडोजर ही दिखा होगा। यही इस देश की समस्या है और यही ये समझ नहीं रहे हैं कि देश क्या चाहता है। आपने चलते हुए जलूस को चलते बैल में आर लगा दी, अब कार्रवाई हो रही है तो आप चीख रहे हो,